नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 25 नवंबर। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार सरकार के इस रैंकिंग में पटना गया गए पिछड़। 7000 किलोमीटर दूर से गोगाबिल झील पहुंचे विदेशी मेहमान। बीपीएससी की 67वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा का ओएमआर सीट जारी। बिहार से नेपाल सीधी ट्रेन सेवा। आज भारत न्यूजीलैंड के बीच पहला वनडे मैच। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड ने 290 रिक्तियों के लिए भर्ती अधिसूचना जारी किया। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड ने विभिन्न ट्रेड में अप्रेंटिस के कुल मिलाकर 290 रिक्तियों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी किया है। इन पदों के लिए अगर शैक्षणिक योग्यता की बात की जाए तो आवेदक को रिलेटेड ट्रेड में मैट्रिक ITI पास होना चाहिए। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इस वैकेंसी नोटिस से जुड़ी हुई समस्त जरूरी जानकारी और आवेदन करने के लिए इस वीडियो के इसी पेज पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक पर जरूर क्लिक करें। ऑनलाइन आवेदन की तारीख 12 दिसंबर 2022 तक है। विस्तृत जानकारी के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट www.hindustancopper.com पर जाकर चेक कर सकते हैं। बिहार से नेपाल सीधी ट्रेन सेवा। NF रेलवे के द्वारा बहुत जल्द ही बिहार के लोगों को बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। बता दें कि बहुत जल्द ही बिहार के पूर्णिया से नेपाल के विराटनगर तक की सीधी रेल सेवा शुरू होने वाली है। इस ट्रेन के परिचालन की शुरुआत होने से न केवल लोगों को आवागमन में सुविधा मिलेगी बल्कि इससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी वृद्धि होगी। मिली जानकारी के अनुसार बिहार से नेपाल जाने की रेल सेवा मार्च 2023 तक शुरू की जा सकती है। वहीं इसके लिए ट्रैक बिछाने का काम काफी पहले से चल रहा है और अब तक विराटनगर के कस्टम यार्ड तक कनेक्टिविटी की जा चुकी है। NF रेलवे के GM अंशुल गुप्ता के द्वारा जानकारी दी गई है कि मीटिंग के दौरान इस बात की अपील की जाएगी कि भारत व नेपाल के बीच होने वाले कारोबार की माल धुलाई सड़क मार्ग के बजाय रेल से की जाए क्योंकि ट्रकों की अपेक्षा रेलवे से माल धुलाई का दर कम है। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे भावना कंठ की। भावना कंठ का जन्म 1 दिसंबर 1992 को बिहार के बड़ौनी में हुआ था। मई 2019 में कॉम्बैट मिशन के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली महिला फाइटर पायलट फ्लाइट लेफ्टिनेंट भावना कंठ ने इतिहास रच लिया। भावना कंठ गणतंत्र दिवस के फ्लाइट पास्ट में भाग लेने वाली पहली महिला फाइटर पायलट के साथ साथ वायुसेना की टुकड़ी का हिस्सा बनने वाली पहली महिला फाइटर पायलट बनी है। वायुसेना की झांकी भारतीय वायुसेना शान से छुए आकाश में लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर और Su-30 MK-1 एयरक्राफ्ट को शामिल किया गया था। बता दें कि भावना कंठ BE करने के बाद 2016 में वायुसेना में फ्लाइंग ऑफिसर ज्वाइन किया। मार्च 2020 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उन्हें नारी शक्ति सम्मान से भी नवाजा गया। सोनपुर मेले के कृषि प्रदर्शनी में क्या कुछ है खास। विश्व प्रसिद्ध सोनपुर मेले में कृषि प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया था जहां कृषि विभाग द्वारा प्रकाशित कृषक हितकारी हमारी योजनाओं का विमोचन किया गया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस कृषि प्रदर्शनी में बिहार के किसानों को जैविक खेती के बारे में जानकारी दी जा रही है। साथ ही पराली प्रबंधन के लिए बायोडिकम्पोजर कैप्सूल भी दिया जा रहा है। साथ ही इस प्रदर्शनी में ऐसे कई स्कीम भी बताए गए हैं जिसमें किसानों के सहूलियत पर ध्यान रखा गया है, जिसमें कृषि निदेशालय, उद्यान निदेशालय, भूमि संरक्षण निदेशालय जैसे योजनाओं को लेन को आसान तरीका बताया जा रहा है। योजना के लिए कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या होना है, यह सारी जानकारी एक ही कैंपस में दी जा रही है। इसे काफी किसानों में उत्साह है। छत पर बागवानी करने संबंधित जानकारी भी दी जा रही है। खेती की जानकारी होगी व बोनसाई वगैरह की भी जानकारी यहाँ दी जा रही है। बिहार सरकार के इस रैंकिंग में पटना गया गया पिछड़। बीते दिन बुधवार को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा POP यानी कि परफॉर्मेंस ऑन ऑब्जेक्टिविटी पैरामीटर जारी किया गया, जिसके आधार पर राज्य में अब भूमि से जुड़े अपर समाहर्ताओं के कार्यों के आधार पर जिले की रैंकिंग की जाएगी, जिसके तहत 3 बेहतर कार्य करने वाले जिलों के समाहर्ता को सम्मानित किया जाएगा और उन्हें प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। वहीं इसके साथ ही वैसे 3 जिले जिन्होंने बहुत खराब काम किया होगा उन्हें कारण बताओ नोटिस भेजा जाएगा और संतोषजनक जवाब न मिलने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि इस पैरामीटर के आधार पर पहला स्थान बांका का है तो वहीं सबसे निचला स्थान अररिया को दिया गया है। वहीं अगर राजधानी पटना और गया की बात की जाए तो इस लिस्ट में पटना 12वें नंबर पर और गया 19वें नंबर पर है।
बघी मठ इस वजह से है बेहद खास। डुबड़ा ब्लॉक के रंजीतपुर पंचायत में स्थित है बघी मठ। 108 कमरों से युक्त बघी धाम में इस मठ में 24 घंटा कीर्तन और सीताराम नाम जाप होता रहता है। यह एक गोल भवन की तरह है जिसमें चार द्वार है। जानकारी के लिए बता दें कि यहाँ 1960 से लगातार सीताराम नाम का जाप किया जा रहा है। मठ परिसर में ही बाबा नागेश्वर नाथ का एक सुंदर और भव्य मंदिर निर्माणाधीन है। यहाँ सीतामढ़ी के प्रसिद्ध संत बघी बाबा तपस्वी नारायण दास जी महाराज की समाधि स्थल भी है। 108 फीट इस ऊंचे मंदिर को बनाने में कुल लागत 5 करोड़ की लगी है। बता दें कि यह उत्तर बिहार का पहला शिव पंचायतन मंदिर है। इस मठ की स्थापना बाबा तपस्वी नारायण दास के द्वारा की गई थी। कहा जाता है कि यहाँ ईश्वर के अवतार में बाबा नारायण दास मानव के रूप में रहे थे। आईपीएस अधिकारी को सस्पेंड रखने का लिया निर्णय। निलंबन समीक्षा की बैठक में भ्रष्टाचार के आरोप में निलंबित चल रहे डीआईजी मोहम्मद साफियुल हक के निलंबन को लेकर विचार किया गया, जिसके बाद गृह विभाग के द्वारा निलंबन अवधि को 180 दिनों तक विस्तारित कर जारी रखने का आदेश जारी कर दिया गया है। जानकारी के लिए बता दें कि उन्हें 24 मई 2023 तक निलंबित किया गया है। बता दें कि डीआईजी मोहम्मद साफियुल हक के खिलाफ भ्रष्टाचार से जुड़ी कई शिकायतें आती थी, जिसके बाद उन पर आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा जांच पड़ताल करवाई गई, जिसमें यह गया कि मोहम्मद साफिल हक सहायक अवर पुलिस निरीक्षक मोहम्मद इमरान एवं एक निजी व्यक्ति के माध्यम से पुलिस कर्मियों से अवैध राशि की उगाही की जाती थी, जिसके बाद उनके खिलाफ मामला प्रमाणित होने के बाद 1 दिसंबर 2021 को निलंबित कर दिया गया था। तब से इनका निलंबन जारी है। अधिकारी ने मांगा घूस, निगरानी ने 20,000 लेते दबोचा। पटना निगरानी टीम के द्वारा उद्योग विस्तार अधिकारी हरीश कुमार को बेला स्थित कार्यालय से मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की राशि भुगतान में 20,000 रुपए घूस लेते रंगे हाथों पकड़ा गया है, जिसके बाद निगरानी की टीम के द्वारा उन्हें पटना लाया गया और बीते दिन निगरानी कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया है। बता दें कि आरोपित हरीश कुमार जहानाबाद का रहने वाला है, जो जुलाई में ट्रांसफर होकर मुजफ्फरपुर आए थे। मिली जानकारी के अनुसार आरोपित हरीश कुमार के खिलाफ उद्यमी नितेश चंद्र रंजन के द्वारा 17 नवंबर को निगरानी टीम से शिकायत की गई थी कि हरीश कुमार दूसरी किस्त के भुगतान के लिए 40,000 रुपए का घूस मांग रहा है, जिसके बाद आरोपित के खिलाफ बीते मंगलवार को पटना निगरानी थाने में FIR दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद उसे रंगे हाथों निगरानी टीम के द्वारा धर दबोचा गया। 7,000 किलोमीटर दूर से गोगाबिल झील पहुंचे विदेशी मेहमान। बिहार में ठंड के आते ही विदेशी प्रवासी पक्षियों का आना शुरू हो गया है। ऐसे में गोगाबिल झील कटिहार जिले के मनिहारी प्रखंड से 8 किलोमीटर पूर्व दिशा में 217.99 एकड़ भूमि को पक्षी आश्रयणी में इन दिनों ये प्रवासी मेहमान बसेरा लगा है। बता दें कि करीब 7,000 किलोमीटर के सफर के बाद साइबेरियन पक्षी कटिहार पहुंच रहे हैं। पर्यावरणविद सह जनलक्षित संस्था के पक्षी विशेषज्ञ दीपक कुमार के द्द्वारा बताया गया है कि अब तक 15 से 17 प्रजाति के पक्षी इस झील में पहुंच चुके हैं, जो अप्रैल से मई तक यहां रहेंगे। बिहार में आज क्या रहेगा मौसम का हाल। मौसम विभाग के अनुसार बिहार में आज सुबह का तापमान 15 डिग्री सेल्सियस है। हवा, नमी और अन्य मौसम की स्थितियों जैसे कारकों को ध्यान में रखते हुए तापमान 14 डिग्री सेल्सियस जैसा महसूस हो सकता है। बिहार में सुबह हवा की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। वहीं बिहार में आज दोपहर के समय तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और यह 29 डिग्री सेल्सियस जैसा महसूस होगा। 12 किलोमीटर प्रति घंटा की हवा की गति के साथ आर्द्रता लगभग 24% रहेगी। इसके साथ ही शाम तक तापमान 31 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। बिहार में शाम के हवा की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा रहने की संभावना है। वहीं अगर आज के रात के तापमान की बात की जाए तो रात का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस और हवा की गति 11 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। एक्टर अनूप कपूर से लाखों की ठगी करने वाला शख्स नालंदा से गिरफ्तार। एक्टर अनूप कपूर से KYC के नाम पर लाखों की ठगी करने वाले साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी मुंबई के उसीवाड़ा साइबर सेल की पुलिस के गिरफ्तारी नालंदा से कर ली गई है। बता दें कि पुलिस के द्वारा जिन अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है उनमें 28 वर्षीय आशीष कुमार पिता जगदीश पासवान नामक एक युवा शामिल है। दरअसल मिली जानकारी के अनुसार 29 सितंबर को रात 11 बजे के बाद एक्टर अनूप कपूर को फोन आया, जिसमें उनसे कहा गया कि आपको HSBC बैंक की मुख्य शाखा से कॉल किया गया है, अगर आपने अपने अकाउंट को KYC नहीं कराया है तो जल्दी कर ले अन्यथा बंद हो जाएगा। इस दौरान अनूप कपूर ने अपना बैंक खाता का नंबर बताया और साथ ही अपराधियों ने उनसे OTP भी ले लिया और फिर खाते में जमा 4.36 लाख रुपए ठग लिए, जिसके बाद अनूप कपूर के द्वारा उसीवाड़ा थाने में मामला दर्ज कराया गया।
पुरानी डगर पर लौटेगी हम सफर एक्सप्रेस। अपने दौरे के क्रम में पूर्णिया पहुंचे पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के महाप्रबंधक अंशुल गुप्ता के द्वारा यह जानकारी दी गई है कि बिहार से गुजरने वाली ट्रेन हम सफर एक्सप्रेस जल्द ही अपनी पुरानी डगर पर लौटने वाली है। उन्होंने बताया कि इस ट्रेन का परिचालन सप्ताह में 3 दिन किया जाएगा, जो कि पूर्णिया सहरसा के रास्ते चलेगा। इस दौरे के दौरान अंशुल गुप्ता के द्वारा जंक्शन के CIB और TIP का भी शुभारंभ किया गया और कहा गया कि इससे यात्रियों को ट्रेनों की जानकारी के साथ प्लेटफॉर्म पर कोच की स्थिति की भी जानकारी मिल सकेगी। इसके साथ ही उन्होंने VIP लॉन्च के निर्माण को लेकर स्टेशन परिसर का भी निरीक्षण किया। बताते चले कि उन्होंने वहां मौजूद लोगों को भरोसा दिया कि जल्द ही जंक्शन का अपग्रेडेशन किया जाएगा। क्लासरूम में सो रहे थे गुरुजी, खर्राटे मारते हुआ वीडियो वायरल। आए दिन सरकारी स्कूल के शिक्षकों के कारनामे का वीडियो वायरल होते रहता है। ऐसा ही एक और वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें गुरुजी क्लासरूम में खर्राटे मारते देखे जा रहे हैं। बता दें कि बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में एक शिक्षक का क्लासरूम में सोने का वीडियो वायरल हो रहा है। यह वीडियो बिहार की शिक्षा व्यवस्था को मुंह चिराते दिख रहा है। बताते चले कि यह मामला पूर्वी चंपारण जिले के हरसिद्धि प्रखंड स्थित एक उत्क्रमित उच्च विद्यालय मुंशी बाजार पानापुर रंजीता के प्रधानाध्यापक का है। इनका नाम अनिल प्रसाद बताया जा रहा है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद कई तरह की चर्चाएं हो रही है। वहीं इस वीडियो को लेकर हरसिद्धि प्रखंड की प्रभारी BEO सुधा कुमारी के द्वारा बताया गया है कि इस वीडियो की जांच की जा रही है। जांच के बाद ही यह कहा जा सकता है कि यह वीडियो कब की है और इसमें कितनी सच्चाई है, जिसके बाद ही इस पर कोई कार्रवाई की जा सकेगी। बिहार के दो बड़े नेताओं के पुत्र का क्रिकेट टीम में हुआ चयन। पुरुष वर्ग के बिहार अंडर 25 क्रिकेट टीम के लिए 20 सदस्यों का चयन कर घोषणा कर दिया गया है, जिसमें पाया गया है कि टीम के 20 सदस्यों में 2 सदस्य ऐसे हैं जिनका नाता बिहार के दो बड़े नेताओं से है। दरअसल इस टीम में जमुई के 2 खिलाड़ी काव्या वेद और अमित आनंद का चयन किया गया है, जिसमें से काव्या वेद जमुई के पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री विजय प्रकाश व जिप उपाध्यक्ष माता विनीता प्रकाश का पुत्र है। वहीं अमित आनंद बांका जिले के धौरैया विधानसभा के विधायक भूदेव चौधरी के पुत्र है। जानकारी के लिए बता दें कि दोनों खिलाड़ियों का चयन बतौर ऑलराउंडर के रूप में किया गया है। बताते चले कि अब तक जमुई के कई खिलाड़ियों का चयन बिहार क्रिकेट टीम में अलग अलग फॉर्मेट में किया जा चुका है। वहीं सत्र में इससे पहले बिहार महिला टीम में जमुई की एकमात्र खिलाड़ी ज्योति का भी चयन किया गया था। BPSC की 67वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा का OMR सीट जारी। बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा बीते दिन गुरुवार को BPSC की 67वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा का OMR सीट जारी कर दिया गया है। वैसे अभ्यर्थी जो OMR सीट को देखना चाहते हैं, वे आयोग की वेबसाइट www.bpsc.bih.nic.in या ऑनलाइन bpsc.bih.nic पर जाकर चेक कर सकते हैं। अभ्यर्थी 5 दिसंबर तक OMR सीट को डाउनलोड कर सकते हैं। बता दें कि BPSC की प्रारंभिक परीक्षा 30 सितंबर को आयोजित की गई थी, जिसके लिए राज्य के सभी 38 जिलों में कुल 1153 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। वहीं इस परीक्षा का रिजल्ट 16 नवम्बर 2022 को जारी किया गया था, जिसके बाद अभ्यर्थियों के द्वारा रिजल्ट को लेकर हंगामा किया गया। इसके साथ ही BPSC 67वीं की मुख्य परीक्षा को लेकर आवेदन करने की तिथि 6 दिसंबर 2022 से लेकर 29 दिसंबर तक निर्धारित की गई है। मोहन भागवत 28 को आएंगे दरभंगा। संघ कार्यालय के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि RSS के प्रमुख मोहन भागवत 28 दिसंबर को बिहार के मिथिला आ सकते हैं। बता दें कि मोहन भागवत का 2 सप्ताह में मिथिला का यह दूसरा दौरा होगा। वहीं पिछले 6 माह में इनका यह बिहार का 3रा दौरा है। बता दें कि 6 माह पहले जून में वो बिहार के मधुबनी जिला आए थे। मिथिला के इस दूसरे दौरे के दौरान मोहन भागवत मिथिला और मधुबनी से जुड़े कुछ खास कार्यक्रमों में शामिल होंगे। जानकारी के लिए बता दें कि इस दौरे में वो दरभंगा राज परिवार के अतिथि होंगे और रामबाग पैलेस में रहेंगे, जो कि कामेश्वर नगर में स्थित है। 28 नवंबर को मोहन भागवत कामेश्वर नगर के नागेंद्र झा स्टेडियम में लोगों को संबोधित भी करेंगे, जिसके लिए तैयारियां भी की जा रही है। हालांकि अभी इसको लेकर आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं की गई है। बिहार में निवेशकों को सारी सुविधाएं देगी नीतीश सरकार, समीर महासेठ। बीते दिन गुरुवार को उद्योग मंत्री समीर महासेठ के द्वारा पटना के रेड वेलवेट होटल में आयोजित रियल एस्टेट से जुड़े एक कार्यक्रम में लोगों को संबोधित करते हुए कहा गया कि बिहार में उद्योग की बहुत संभावनाएं हैं, बिहार में रियल एस्टेट का भविष्य उज्जवल है। वहीं बिहार सरकार के द्वारा भी निवेशकों को सारी सुविधाएं दी जाएंगी, बस यहां जरूरत है तो बस इस चीज के लिए कि सभी बिहारवासी को एक साथ मिलकर राज्य में निवेश के लिए उचित माहौल बना
बनाना होगा। मैं देश भर के निवेशकों से मिलूंगा ताकि बिहार में रियल एस्टेट में निवेश किया जा सके। बिहार सरकार के द्वारा सभी जिलों में लैंड बैंक बनाने के लिए प्रयासरत है। हमारा लक्ष्य है कि बिहार को प्रोडक्शन का केंद्र बनाया जाए। यहाँ सरकार के द्वारा भी लोगों को व्यापार करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिसके तहत 10 लाख तक का लोन युवाओं को दिया जा रहा। प्रशांत किशोर ने तेजस्वी की पहचान पर उठाया सवाल। राजनीति राजनीतिज्ञ प्रशांत किशोर ने अपनी जन स्वराज यात्रा के दौरान तेजस्वी यादव की पहचान पर सवाल खड़ा करते हुए उन पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव की पहचान लालू यादव से है, उन्हें सभी लोग लालू यादव के बेटे के रूप में जानते हैं और इससे ज्यादा उनकी अपनी कोई पहचान नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने नीतीश कुमार पर कहा कि नीतीश कुमार पाला बदलने में माहिर है, उन्हें एक मिनट भी नहीं लगेगा और वे तुरंत बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने यह दावा किया कि अगर जन स्वराज अभियान के दूसरे चरण के तहत लोगों की सहमति मिलती है तो मिलकर दल का निर्माण किया जाएगा। वहीं प्रत्येक प्रखंड में जन स्वराज नागरिक सहायता केंद्र की शुरुआत भी की जाएगी। वित्त मंत्री विजय चौधरी ने केंद्र सरकार की कार्यशैली पर उठाए सवाल। बीते दिन गुरुवार को बिहार सरकार के वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी दिल्ली पहुंचे, जहां वे 25 नवंबर यानी कि आज निर्मला सीतारमण और कई राज्य के वित्त मंत्री के साथ बैठक करेंगे और बजट को लेकर विचार विमर्श करेंगे और साथ ही सुझाव लेंगे। बता दें कि वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने केंद्र सरकार पर हमला करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो मुख्य चुनाव आयुक्त को लेकर फैसला लिया गया है उसकी पूरी संचिका को मंगवाया गया है और इससे साबित होता है कि उच्चतम न्यायालय की ओर से केंद्र सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाए गए हैं। केंद्र सरकार के द्वारा उठाया गया बड़ा कदम यही है कि उन्होंने अरुण गोयल को वीआरएस दिलवाकर सर्विंग ऑफिसर से मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर नियुक्त कर दिया है, जिसे लेकर उन पर सवाल खड़े किए गए हैं। अगर वे गलत नहीं हैं, तो उन्हें अरुण गोयल की फाइल देने में झिझक क्यों हो रही है। आज भारत न्यूजीलैंड के बीच पहला वनडे मैच T20 सीरीज में न्यूजीलैंड के खिलाफ मिली जीत के बाद टीम इंडिया अब न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले जाने वाले वनडे सीरीज के लिए तैयार है। जानकारी के लिए बता दें कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जाने वाले इस मैच 3 मैचों के वनडे सीरीज की शुरुआत 25 नवंबर यानी कि आज से हो रही है। वहीं इस बार इसकी कप्तानी भारत की ओर से शिखर धवन के द्वारा की जाएगी। इस सीरीज का पहला मैच ऑकलैंड के एडन पार्क में खेला जाएगा, जो कि सुबह 7 बजे शुरू होगी। बताते चले कि इस सीरीज का दूसरा मैच 27 नवंबर को हैमिल्टन में खेला जाएगा। वहीं सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच 30 नवंबर को क्राइस्टचर्च में खेला जाएगा। अगर आप भी इन मैचों को देखना चाहते हैं तो आप इस मैच को डीडी स्पोर्ट्स चैनल पर देख सकते हैं। इसके साथ ही इन मैचों की ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग Amazon प्राइम वीडियो पर की जाएगी। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। भारत में राष्ट्रीय कैडेट कोर की स्थापना 1948 में हुई। स्वतंत्र भारत के संविधान पर संवैधानिक समिति के अध्यक्ष ने 1939 में हस्ताक्षर किए तथा इसे तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया। टेलीफोन की STD व्यवस्था को भारत में पहली बार कानपुर और लखनऊ के बीच 1960 में प्रयोग किया गया। भारत के प्रसिद्ध भाषाविद साहित्यकार तथा विद्याशास्त्री सुनीति कुमार चटर्जी का जन्म 1890 में हुआ। भारत की प्रसिद्ध महिला क्रिकेटर झूलन गोस्वामी का जन्म 1982 में हुआ। मशहूर फिल्म निर्देशक और संगीत में ध्वनि के जानकार देवकी बोस का जन्म 1898 में हुआ। हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध निर्माता निर्देशक और पटकथा लेखक चंदूलाल शाह का निधन 1975 में हुआ। हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध संगीतकार RC बोराल का निधन 1981 में हुआ। भारत के 5वें उप प्रधानमंत्री और महाराष्ट्र के प्रथम मुख्यमंत्री यशवंत राव चौहान का निधन 1984 में हुआ। परमवीर चक्र सम्मानित भारतीय सैनिक मेजर रामास्वामी परमेश्वरम का निधन 1987 में हुआ। भारत की प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना सितारा देवी का निधन 2014 में हुआ। वायरल खबर में आज हम बात करेंगे डिस्पोजेबल सर्जिकल मास्क के बारे में। सोशल मीडिया पर कई सूचनाएं वायरल होती है, लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे डिस्पोजेबल सर्जिकल मास्क के बारे में। दरअसल PIB ने अपने एक ट्वीट में लिखा है कि एक वीडियो में फर्जी दावा किया जा रहा है कि डिस्पोजेबल सर्जिकल मास्क में कीड़े होते हैं। PIB ने अपने ट्वीट में आगे लिखा है कि यह दावा फर्जी है। वैज्ञानिक मानकों के अनुसार तैयार किए गए किसी भी मास्क में कीटाणु नहीं होते हैं। नाक और मुंह को सही से ढकने वाले किसी भी मास्क का प्रयोग किया जा सकता है। अपने गुम हुए फोन का ऐसे लगाए पता। अगर किसी भी व्यक्ति का स्मार्टफोन खो जाए तो वो बहुत परेशान हो जाता है। मन में यह बातें आने लगती है कि कहीं उसमें मौजूद डेटा कोई लीक न कर ले। लेकिन अब आप अपने फोन को पता लगाकर उसे ब्लॉक कर सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले CEIR की वेबसाइट पर जाना है। इसके बाद यहाँ अपने मोबाइल से जुड़ी सभी जानकारी आपको भरनी है। इसमें फोन का ब्रांड, मॉडल, आखिरी लोकेशन के साथ बिल की कॉपी भी अपलोड करनी पड़ेगी। अब यहाँ आपको अपना अल्टरनेटिव नंबर भरना है, जिसके बाद
बाद उस पर एक OTP जाएगा। अब आपको अपने फोन की आखिरी लोकेशन डालनी है, जिसके बाद एक OTP आएगा जिसे आपने सबमिट बटन पर क्लिक करना है। अंत में आपको एक रिक्वेस्ट ID प्राप्त होगी जो आपके फोन के मिल जाने पर अनब्लॉक करने में काम आएगी। बता दें कि यह भारत सरकार का एक प्लेटफॉर्म है, लेकिन यह सेवा फिलहाल सिर्फ दिल्ली, महाराष्ट्र और कर्नाटक में ही मौजूद है। शिखर पर शेयर बाजार, पहली बार सेंसेक्स 62,400 अंक के पार। सप्ताह के चौथे दिन यानी कि बीते दिन शेयर बाजार एक बार फिर शिखर पर रहा। बता दें कि बीते दिन सेंसेक्स 762.10 अंक चढ़कर 62,272.68 के सर्वकालिक उच्च स्तर पर बंद हुआ, जिसके बाद शेयर बाजार में आई इस तेजी से निवेशकों को 2.37 लाख करोड़ का फायदा हुआ है। जानकारी के लिए बता दें कि BSE इंडेक्स पर IT सेक्टर के स्टॉक में सबसे ज्यादा तेजी रही। वही अगर BSE टॉप 30 शेयरों की बात करें तो उसमें इंफोसिस, SCL, विप्रो, टेक महिंद्रा, TCS में सबसे ज्यादा तेजी रही। इसके साथ ही पावर ग्रिड, HDFC, HUL, सन फार्मा के शेयर में भी तेजी देखने को मिली। एक गलती और अकाउंट हो जाएगा खाली। साइबर फ्रॉड से जुड़े मामले को बढ़ते देख SBI के द्वारा एक नए तरीके के फ्रॉड से बचने के लिए लोगों को सतर्क किया गया है, और साथ ही यह भी बताया गया है कि लोगों को किन गलतियों को करने से सावधान रहना चाहिए। बता दें कि SBI के द्वारा यह जानकारी दी गई है कि किसी भी संदिग्ध लिंक पर क्लिक न करें। वहीं बैंक या वित्तीय कंपनी के नाम पर अनजान नंबर से भेजे गए मैसेज पर क्लिक करने से बचे। इसके साथ ही बैंक के द्वारा यह बताया गया है कि अगर आपके साथ कुछ ऐसी घटना घटित होती है तो उसकी जानकारी तुरंत सरकारी वेबसाइट cybercrime.gov.in पर जाकर दे सकते हैं। इसके अलावा कभी KYC दस्तावेजों की प्रतियां अनजान लोगों को नहीं देनी चाहिए, और न ही तुरंत लोन लेने वाले ऐप को डाउनलोड करना चाहिए। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है मृत्युंजय कुमार, श्याम कुमार, भान प्रकाश मौर्य, शंकर मुखिया, योगेंद्र यादव, दिव्यांशु राज, विड़मानी सिंह, अखिलेश यादव, रवि शंकर, बाबूलाल मरांडी, राजीव कुमार, रविन्द्र पासवान, सिफोन कुमार, दीपक कुमार, अनवर करीम खान। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जा रहे 3 मैचों की वनडे सीरीज पर कौन सी टीम कब्जा करेगी? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज, और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।